नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कामरान, आप देख रहे हैं मोटोरॉइड्स और आज हम रिव्यू करने वाले हैं होंडा SP125। होंडा SP125 आता है एक ऑल न्यू इंजन के साथ जो है BS6 कंप्लायंट, बहुत सारे फीचर के साथ, जिसका हम इन डेप्थ रिव्यू करने वाले हैं। अभी चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं होंडा SP125 आता है एक बहुत अग्रेसिव लुकिंग बॉडी स्ट्रक्चर में, जो इस सेगमेंट की बाइक में बहुत कम देखने को मिलता है। अगर आप इसको सामने की तरफ से देखें तो ये आता है एक DRL LED यूनिट के साथ, जो बहुत ही यंग और फ्रेश लुक देता है इस बाइक को, जहां पर आपको LED लाइट्स मिलेंगे। ये है लो बीम एंड आपको हाई बीम भी नीचे मिलेगा। अगर आप गौर से देखें तो आपको दिखेगा अंदर होंडा ने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है LED, जस्ट इन केस आप मिस हो जाए कि ये LED लाइट्स है या नहीं। अब हेडलाइट की ही बात कर रहे हैं तो जो हेडलाइट यूनिट है इज अन LED यूनिट, बट द इंडिकेटर्स आर नॉट। इंडिकेटर्स रेगुलर बल्ब इंडिकेटर्स है, आगे भी और पीछे भी। अब सस्पेंशन की तरफ ध्यान दें तो इट कम्स विद कन्वेंशनल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। पीछे भी आपको रेगुलर हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलते हैं विच कम्स विद एडजस्टमेंट, जो आप एडजस्ट कर सकते हो जितना आपको उसका सॉफ्टनेस डैम्पिंग चाहिए उस हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हो अपनी मर्जी से। अगर आप इसको साइड से देखें तो जो टैंक एक्सटेंशन है और इसको टेलिंग एरिया है, इट्स अ वेरी मॉडर्न लुकिंग बाइक। ये बहुत ही एक यंग बाइक का फील देता है जो ऑल न्यू इंजन के साथ आता है, विच इज वेरी गुड ऑन माइलेज। इसका ARAI माइलेज अप्रोक्सीमेटली 70 के आसपास है। हमें स्पीडोमीटर पे इसका माइलेज 65 के आसपास लगभग मिल चुका है। 125cc सेगमेंट में ये माइलेज अप्रोक्सीमेटली इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी गुड माइलेज। एंड इसकी टैंक कैपेसिटी है 11 लीटर, सो अप्रोक्सीमेटली ये आपको 650 किलोमीटर से ज्यादा ही डिस्टेंस ट्रेवल करवाएगी वन फुल टैंक पे। अगर आप देखें तो इसका टैंक कैप कंप्लीटली बाहर आने वाला सिस्टम है, आपने ये निकाल दिया, आपने फ्यूल अप कर दिया एंड यू कैन देन लॉक इट बैक। मोर देन दैट, इट नॉट ओनली जस्ट कम्स विद अ सेल्फ स्टार्ट, इसमें किक का भी ऑप्शन आपको दिया गया है। इसका जो टेल यूनिट है, टेल यूनिट पे जो ग्रैब हैंडल्स है आर रबर माउंटेड ग्रैब हैंडल्स, इस पे एक सॉफ्ट फील आता है जब आप इसको पकड़ते हैं। इसको देखें, इसका जो एग्जॉस्ट पाइप है जहां पर इसका हीट शील्ड लगा हुआ है, उसके ऊपर एक एल्यूमिनियम क्रोम यूनिट भी दिया हुआ है फॉर गुड स्टाइलिंग। ओवरऑल द बिल्ड क्वालिटी ऑफ फुट पेग्स, ब्रेक्स एंड अदर पार्ट्स आर वेरी गुड। यहाँ पे अगर आप इसे देखें तो ये अपने सेगमेंट की पहली बाइक है, मोटरसाइकिल है, जिसमें एक ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एक 125cc मोटरसाइकिल में आपको मिला है, जहाँ पे आपको सारी डिटेल्स ऑन डिस्प्ले दिख जाएगी। फ्यूल मीटर इज देयर, गियर इंडिकेटर है, कितना आपको रियल टाइम माइलेज मिल रहा है वो है, कितने किलोमीटर्स हुए हैं बाइक के रेगुलर ट्रिप, आपको दो ट्रिप्स मिलते हैं ट्रिप ए एंड ट्रिप बी, किलोमीटर्स पर लीटर आपको एवरेज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कितना मिल रहा है वो भी आपको यहाँ देखने को मिल सकता है। इसमें एक चीज हमें मिसिंग लगी, वो है RPM इंडिकेटर। वी विश वो होता, बट वो इस सेगमेंट की बाइक में बहुत कम है। जैसे कि आप देख सकते हैं डिस्प्ले में गियर इंडिकेटर के अलावा और भी ऑप्शन है, विच इज द इको मोड। अगर आप इसको लो गियर में हाई रेव्स पे चला रहे हो तो आपकी ग्रीन लाइट इको की हट जाएगी एंड यू विल रियलाइज कि अब आपको माइलेज कम मिलेगा, क्योंकि आप बाइक पे बहुत लोड डाल रहे हो। या तो आप गियर स्विच करके चलाइए या तो थोड़ा सा RPM लो कर दीजिए, डिपेंडिंग ऑन आप कितनी ट्रैफिक में कितनी स्पीड पर चल रहे हो। इससे आपको माइलेज बहुत अच्छा मिल सकता है अगर आप उस पर ध्यान दें, इसका जो इको मीटर है उस पर। जैसे कि आप देख सकते हैं जो इंजन किल स्विच है, वो किल स्विच एज वेल एज द स्टार्टर स्विच है। इफ यू जस्ट क्रैंक दिस अप, बाइक ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है। एंड आपने अगर नोटिस किया होगा तो क्रैंकिंग का बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है इसमें। जो नया टेक्नोलॉजी होंडा ने यूज़ किया है, विच इज़ द मैग्नेटिक स्टार्टर, वो क्या करता है, सारा अंदर का जो रोटेशन पार्ट है उसको कम कर देता है, जिसकी वजह से जो क्रैंकिंग नॉइज है वो टोटल ही बंद हो चुकी है। इस साइड पे आपको हॉर्न इंडिकेटर, जो डिपर और हाई बीम लो बीम है, विच इज इंटीग्रेटेड इन वन सिंगल बटन, ये हमें पहले देखने को मिला था KTM की कुछ बाइक्स में, जिसमें द डिपर बटन को ही आप यूज़ कर सकते हो हाई बीम के लिए। ये जब बाइक चालू है तो ये नॉर्मल हेडलाइट चालू है, ये डिपर हो गया एंड ये हो गया हाई बीम, इसी तरह से इसको यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से ये एरिया बहुत साफ दिखता है, हमें खाली बिल्कुल महसूस नहीं हुआ, अच्छा लग रहा है देखने पे एंड एक अच्छी फील देता है, बाइक को कंप्लीट फील देता है ये। अब बात करते हैं इसकी सिटिंग पोजीशन की और इसके इंजन की। तो मेरी हाइट है लगभग 5'7" और जैसे कि आप देख सकते हो, मैं जब ये बाइक को नीचे रखता हूँ तो मेरे दोनों पैर आराम से ज़मीन को टेक के खड़े रहते हैं, मतलब हाइट का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी हाइट 5'3" 5'4" भी है तो आप कंफर्टेबली ये बाइक को चला सकते हो। जिस पे हम आते हैं सीट पर, क्योंकि इसकी सीट बहुत कंफर्टेबल है, कुशन्ड है, काफ़ी स्पेशियस भी है एंड क्योंकि ये स्प्लिट सीट नहीं है, अगर आप इलियन के साथ ट्रैवल करते हो इस पे तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत
का सामना नहीं करना पड़ेगा। स्पेशियस है, पीछे की सीट भी काफी ब्रॉड है। सीट लेंथ जो है वो है 705 mm एंड सीट हाइट जो है 790 mm। नी रेसेस देखे तो बहुत अच्छा दिया हुआ है, इंस्पायर्ड है ये बाइक का डिजाइन होंडा का एक्स ब्लेड बाइक से, बहुत हद तक हमें ये देखने को मिला। बट जो स्पीड में ये बाइक जाएगी ओवरऑल, ये 3 digit स्पीड में जाती है, बट मैक्सिमम हमने जितना देखा ये स्ट्रेट रोड पे 105-106 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा सकती है। उसमें आप नी रेसेस आपको यूज करना है तो आप जरूर कर सकते हो। अब बात हो ही रही है सिटिंग कंफर्ट की, तो हम आपको ये बता दें कि जो राइडर फुट पेग है वो बहुत अच्छी तरह से प्लेस्ड है, अपराइट सिटिंग पोजीशन है, हैंडल बार्स भी काफी ऊंचे दिए गए हैं जिसकी वजह से आपका सिटिंग पोजीशन भी काफी कंफर्टेबल है। ब्रेक लीवर पे पहुंचने के लिए आपका पैर का साइज छोटा हो बड़ा हो आपको किसी भी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, इट्स वेरी कंफर्टेबल, वेरी एक्सेसिबल। जो मॉडल हमारे पास है इसमें है आगे फ्रंट डिस्क ब्रेक एंड पीछे है रेगुलर ड्रम ब्रेक। इसके किसी भी मॉडल में पीछे डिस्क ब्रेक का अभी तक ऑप्शन दिया नहीं गया है, बट जो दिया गया है वो है कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। एंड इरिस्पेक्टिव आप कौन सा मॉडल लेते हो, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम सारे ही मॉडल में उपलब्ध है। कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम किस तरह से काम करता है, अगर आप सिर्फ आगे का ब्रेक दबाते हो फिर भी बाइक ऑटोमेटिकली समझती है, एडजस्ट करती है कि आपकी स्पीड क्या है, ये समझ के वो पीछे का ब्रेक ऑटोमेटिकली लगाती है। बट अगर आप पीछे का भी ब्रेक मारते हो एंड आप आगे का ब्रेक को टच नहीं करते हो, बाइक ऑटोमेटिकली आगे का डिस्क ब्रेक भी जैम करेगी वेरी स्लोली स्मूथली एंड ग्रेजुअली, जिससे आपकी स्पीड अच्छी तरीके से कम होगी। जो आप उसको रोकना चाह रहे हो तो उसको स्टॉल भी कर सकते हो विदाउट यूजिंग द फ्रंट डिस्क ब्रेक। सो ये बाइक आती है 4 color में, हमारे पास जो है वो है स्ट्राइकिंग ग्रीन और 3 color इसमें और उपलब्ध है, जो है इंपीरियल रेड मेटालिक, पर्ल साइरन ब्लू एंड मैट एक्सेस ग्रे मेटालिक। हमें बताया गया है कि होंडा ने बहुत ज्यादा आधुनिक तकनीक यूज की है एंड बहुत ज्यादा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के बाद ये ऑल न्यू गियरबॉक्स डिजाइन किया है, व्हिच इज सपोज टू बी वन ऑफ द स्मूथेस्ट इन द सेगमेंट। हम बहुत हद तक ये बात मानते हैं एंड चलाने के बाद हमें भी जो फील आई है वो यही है कि ये बहुत प्रिसाइज है, देयर इज नो फॉल्स गियरिंग एट ऑल, आप डाउन शिफ्ट अप शिफ्ट में आपको कोई भी तकलीफ महसूस नहीं होगी इसमें। जैसे कि आपने देखा है BS6 वेरिएंट्स में जनरली बाइक का वेट थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है बिकॉज कैटेलिक कन्वर्टर यूज होता है, बट somehow वेट मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि पावर टू वेट रेशियो मेंटेन करने से ही बाइक में एवरेज मिलेगी और बाइक की गति जितनी हम चाहते हैं उतनी उसे उपलब्ध कर पाएंगे। वन ऑफ द प्लेसेस वेयर दे हैव डन दैट इज दिस साड़ी गार्ड, जो पार्ट मेटल एंड पार्ट प्लास्टिक है। ये प्लास्टिक काफी फर्म लगता है एंड द चांसेस ऑफ इट ब्रेकिंग एंड वेयरिंग डाउन इज वेरी लेस अनलेस हिट बाय समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। सो जो रेयर सस्पेंशन है इस बाइक में आपको मोनो सस्पेंशन नहीं मिलेगा, बट जो हाइड्रोलिक रेगुलर सस्पेंशन आपको मिलेंगे वो स्टेप एडजस्टमेंट के साथ है, आप उसको अपने हिसाब से प्री लोड से चेंज करके उसका सॉफ्टनेस एंड डैम्पिंग चेंज कर सकते हो, तो ये आपके हाथ में है आप उसको किस तरह से उसकी डैम्पिंग रखना चाहते हो। सो अब हम आते हैं टायर्स पर, अगर आप गौर से इधर देखें तो आपको दिखेगा कि ये एक ऑल न्यू अलॉय डिजाइन है, ये आपको कोई स्टेबिलिटी के लिए नहीं चेंज किया, दिस इज अ विजुअल चेंज विच इज वेरी गुड, हमें तो काफी अच्छा लगा है ये, इट्स ब्यूटीफुल। इस बाइक में जितने भी टेस्ट बाइक्स थी हमारे पास हमने उसमें नोटिस किया कि कुछ बाइक्स में MRFs थे, कुछ बाइक में TVS टायर्स लगे हुए थे, द साइज ऑफ बोथ द टायर्स इज एग्जैक्टली द सेम, MRFs हो या TVS हो वहां पे कोई फर्क नहीं है। पीछे की तरफ अगर आप देखें तो टायर पिछले जो मॉडल्स थे 125cc से उससे थोड़ा पतला किया गया हुआ है। मैं बताना चाहता हूं आपको कि जो पावर टू वेट रेशियो है जो हम कंपेयर करते हैं BS6 वेरिएंट में आकर के, जहां पर हमें लगता है कि बाइक का वेट बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ फ्यू थिंग्स दैट हैज बीन एडेड ऑन, वो कॉम्प्रोमाइज ना हो पावर टू वेट रेशियो, इसलिए इस मॉडल में स्पेसिफिकली टायर थोड़ा सा छोटा किया गया है। चलाने में आपको कोई मेजर डिफरेंस नहीं महसूस होगा। मोर देन दैट होंडा हैज वर्कड ऑन अ टेक्नोलॉजी कॉल्ड LRR, लो रोलिंग रेजिस्टेंस, जिसमें पीछे के टायर का जो कंपाउंड है विल प्रोवाइड लेस ऑफ रेजिस्टेंस वाइल रोलिंग फ्रीली, जब आप बाइक चलाते हो तो ये टायर्स आपको थोड़ी सी गति मेंटेन करने में सहायता देंगे अगर आप एक्सीलेटर छोड़ते हो तो भी। दोनों ही टायर्स आगे और पीछे के 1818 के है, विच इज द 18 रेडियस टायर्स, द बाइक गिव्स गुड ग्रिप एंड जिस स्पीड पे हम इसे जनरली चलाने वाले हैं आप समझ सकते हो ये 125cc का एक स्मार्ट कम्यूटर मोटरसाइकिल है, तो हम जनरली इसे बिटवीन 50-80 के रेंज में सिटी यूज के लिए ही यूज होगी ये बाइक मोस्ट प्रोबेबली, सो उस रेंज में ये टायर्स आर वेरी कंफर्टेबल वेरी नाइस। जो इसका सिटिंग स्टैंड है अगर आप उसे नोटिस करें तो ये बहुत ही अपराइट और कंफर्टेबल पोजिशन है, प्लस इसके जो रेयर व्यू मिरर्स है कोई
एक्सेलरेशन नहीं है, आप क्लियरली देख सकते हो जो व्हीकल आपके पीछे है। जो इसका क्लच एक्शन है इज अ वेरी लाइट क्लच एक्शन, ये आप दो उंगलियों से भी यूज कर सकते हो, विच मेक्स सिटी कम्यूटिंग वेरी इजी एंड वेरी कम्फर्टेबल। आप ये बाइक मोस्टली सिटी में यूज होने के चांसेस है फॉर इट बीइंग 125 cc, जिसके लिए हमें बहुत खुशी हो रही है ये बोलते हुए कि ये जो क्लच एक्शन है इतना सॉफ्ट एंड स्मूथ है कि आप इसको सिटी में डेली यूज करते वक्त ट्रैफिक में आप बिल्कुल नहीं थकेंगे, आप इसे कंफर्टेबली चला सकते हो इन स्टॉप एंड गो ट्रैफिक एंड इवन ऑन ओपन रोड्स अगर आपको गियर शिफ्ट करने की जरूरत पड़ रही है। सो दिस इज वेरी लाइट एंड आप दो उंगलियों से क्लच यूज कर सकते हो। अगर आप देखें तो इसका जो टेल लाइट यूनिट है वो भी एक ऑल LED यूनिट है, बट अगेन पीछे की तरफ आपको जो इंडिकेटर्स मिलते हैं आर बल्ब इंडिकेटर्स। ये बाइक में एक और चीज आप नोट कर सकते हो वो है चेन स्प्रॉकेट कवर। आपको पता है हमारे यहाँ रोड्स कुछ खास वेल मेंटेन नहीं होते, काफी सारी जगहों पर खड्डे मिट्टी धूल से जो चेन स्प्रॉकेट है उसकी लाइफ कम हो जाती है। दिस इज अ गुड प्रोटेक्शन अगेंस्ट दैट। ये आपका चेन स्प्रॉकेट संभाल के रखेगा एंड चेन की ऑयलिंग का जो इंटरवल्स है वो आपका बेटर हो जाएगा बिकॉज इट इज ऑलवेज कवर्ड। अगर हम इसके इंजन की बात करें तो ये एक 124 cc का ऑल न्यू इंजन है। इसमें आपको मिलता है 10.7 ब्रेक हॉर्स पावर की क्षमता जो आपको मिलेगी 7500 के RPM पे एंड इसका टॉर्क फिगर्स जो है वो है 10.9 न्यूटन मीटर जो आपको मिलेगा 6000 RPM के रेंज पर। अब इंजन की ही हम बात कर रहे हैं तो एक चीज जो हमें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही थी वो हम बताना चाहते हैं। एक है इसमें RPM मीटर नहीं होने की वजह से आप कंप्लीटली रिलाई करते हो अपने अंडरस्टैंडिंग पे कि आपको कब गियर अपशिफ्ट या डाउनशिफ्ट करना है। ऑफकोर्स इको मोड है जो आपको हेल्प करता है ये बताने में, बट अगर RPM मीटर होता तो हमें थोड़ी सहायता हो जाती। ओवरऑल अगर आप इसको रेगुलर सिटी स्पीड लिमिट्स में चला रहे हो बिटवीन 50 to 70 तो बाइक में ऑलमोस्ट अप टू नो वाइब्रेशंस है, बट अगर आप उसको उसके ऊपर ले जाते हो बिटवीन 75 to इफ यू ट्राई टू स्ट्रेच इट टुवर्ड्स 100 आप उसको ले जाने की कोशिश करते हो तो आपको वाइब्रेशंस फील होते हैं। हैंडल बार्स में भी हल्के से वाइब्रेशन फील होते हैं एंड फुटपैक्स में भी। ये बाइक एक्चुअली बनी है अच्छे स्मूथ रेंज में चलने के लिए विच इज बिटवीन 50 to 70, उसमें चलाइए आपको ये बाइक बहुत स्मूथ लगेगी। एंड अगर हम बात करें इसकी पर गियर स्पीड की तो हमने मैनेज किया है फर्स्ट गियर में अप टू 30, सेकेंड गियर 50, थर्ड गियर में 70, फोर्थ गियर 90 एंड फिफ्थ गियर मैक्सिमम जो हम ये बाइक लेकर के गए थे वो है 105 जो एक टेस्ट फैसिलिटी में था। तो आप इसे प्लीज रोड पे मत ट्राई कीजिएगा। ये जो मॉडल हमारे पास आज उपलब्ध है वो आता है फ्रंट डिस्क ब्रेक एंड रेयर ड्रम ब्रेक के साथ। आगे के डिस्क ब्रेक की साइज है 240 mm एंड ड्रम ब्रेक की साइज है 130 mm। हालांकि इसमें दूसरे मॉडल भी अवेलेबल है जिसमें आगे ड्रम ब्रेक ऑप्शन है। ये वाला जो फ्रेम है हमने होंडा की बाइक्स में पहले देखा हुआ है। ये बाइक डायमंड फ्रेम पे बिल्ट अप है। होंडा क्लेम्स दैट ये फ्रेम को उन्होंने थोड़ा सा रीट्वीक किया है टू मेक इट स्लाइटली लाइटर। ये बाइक का ड्राइव वेट है 118 kg द डिस्क ब्रेक वेरिएंट, और जो दूसरा वेरिएंट है जिसमें डिस्क ब्रेक नहीं है ड्रम वेरिएंट है वो है 117 kg। एंड वेट मैनेजमेंट ऑन दिस बाइक हैज बीन डन वेरी नाइस। आप जैसे ही बाइक पे हॉप ऑन होते हो आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि ये कोई बड़ी अग्रेसिव लुकिंग बाइक है। इट हैज गॉट कंफर्टेबल राइडिंग स्टैंड। अब बात करते हैं बाइक के प्राइस की, तो ये दो वेरिएंट्स में अवेलेबल है जो है विद ड्रम ब्रेक एंड टॉप वेरिएंट जो डिस्क ब्रेक के साथ आता है। दोनों में ही कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम का आपको फीचर मिलेगा। जो बेस वेरिएंट है ड्रम वेरिएंट वो आपको 74,000 एक्स शोरूम मुंबई एंड जो डिस्क वेरिएंट है जो हमारे पास है आज वो आपको 78,000 एक्स शोरूम मुंबई में उपलब्ध होगा। देखे तो प्राइस थोड़ा सा हाई है बट जो फीचर्स एंड वैल्यू फॉर मनी चीजें हमें इस बाइक में मिल रही है इंक्लूडिंग द एवरेज माइलेज एंड एवरीथिंग। होंडा का क्लेम है कि ये पिछले जनरेशन से 16% ज्यादा माइलेज आपको देगी, जो फिलहाल हमें ऑन स्पीडो अप्रोक्सीमेटली 60-65 का रेंज माइलेज का दिखा रहा है विच इज नॉट बैड। प्राइस में इंक्रीज जो है 11% का है, बट अगर आप रेशियो देखिए आपको BS6 इंजन विद ऑल न्यू फीचर्स LED हेडलाइट्स एंड डिजिटल कंसोल मिल रहा है फॉर दिस प्राइस इज नॉट अ बैड डील एट ऑल। अगर आप 125 cc मोटरसाइकिल के सेगमेंट में देख रहे हो तो आपको ये बाइक बहुत ही अच्छे प्राइस में मिल रही है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट द फीचर्स इट कम्स विद एंड ये सारे फीचर्स जो है आपको दूसरी किसी बाइक में इस सेगमेंट में अभी तक देखने को नहीं मिला है। इनफैक्ट BS6 में 125 cc सेगमेंट में फिलहाल ये एक ही बाइक है जो लॉन्च हो चुकी है। दूसरा ऑप्शन द क्लोजेस्ट इज हीरो स्प्लेंडर आई स्मार्ट जो एक 115 cc बाइक है, बट फिलहाल मार्केट में 125 cc में BS6 ऑप्शन सिर्फ यही अवेलेबल है। एंड आप देख सकते हो ये बाइक को, ये पूरा ही नए अवतार में आया है। इट कम्स विद अ स्पोर्टी अग्रेसिव लुक सेइंग दैट इट इज वेरी कंफर्टेबल टू राइड। एक बहुत ही अच्छा अपराइट स्टैंड है इसका। द इंजन इज क्वाइट स्मूथ। ओवरऑल द राइड क्वालिटी इज प्रीटी सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल। आपको हमारा ये रिव्यू कैसे लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर
बताइए। और आपके अगर कोई भी डाउट्स और क्वेरीज हो इस मोटरसाइकिल की या किसी भी और मोटरसाइकिल या कार के बारे में तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछे जरूर, हम कोशिश करेंगे आपको जल्द से जल्द उसका जवाब दे दिया जाए। मोटोरॉइड्स के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियोज और इन डेप्थ रिव्यूज पसंद आते हैं तो प्लीज हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।